हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। मैं मनु, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों स्वागत है आपका बिग बॉस सीजन 13 के एक और एपिसोड के रिव्यू में। हाय दोस्तों, मैं बेसिकली आपको अपने नए घर के फैमिली मेंबर से मिलवाना चाहता हूं जो कि अभी थोड़े से शाय मोड ऑन में है, आपसे ज़्यादा बात कर नहीं पाएंगे। दोस्तों इनकी एक खूबसूरत सी कहानी है, इनका नाम है सिम्बा और ये सिम्बा मेरे नए फैमिली मेंबर है। मेरे घर की कमी को, यानी मेरे को कभी भी कोई डिप्रेशन होगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो एंटी डिप्रेशन का काम करेंगे, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी इसको आने नहीं देंगे। सो दोस्तों इनकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको फटाफट सुनाता हूँ, फिर रिव्यू पर चलते हैं। दोस्तों ये देखो, आपको इसको यहाँ पर ना छोटा सा एक बाउल है, छोटा सा एक बॉल है ना, एक छोटा सा, इसका पेट के एक छोटा सा इन्फेक्शन है। सो बेसिकली ये इन्फेक्शन इनको ऐसे हो गया सांप को कि इनकी मदर इनसे बहुत प्यार करती थी, तो उन्होंने इनको बहुत चाटा है ना, वो स्टेम सेल्स जब अलग होते हैं तो वो थोड़ा सा बहुत प्यार से चाटा इनको, तो चाटने की वजह से सांप को एक छोटा सा एक ऐसा गांठ सी बन गई है। सो एक्चुअली ना बाकी के सारे बच्चे, जो 6 और बच्चे थे, मजबूत बच्चे थे 5 और, बाकी उन सबको लोग लेकर के जा रहे थे और इन जनाब को लोग इग्नोर मार रहे थे ये सोच कर कि यार प्रॉब्लम है, इसको तो सही कैसे करेंगे। बट मैंने इसको देखा तो ये मुझे ऐसी फीलिंग दे रहा था बेसिकली कि यार भाई मैं तेरे साथ घर चलूँगा, मिल के रहेंगे, तो यार इसको यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझको भी यहाँ पर अंदर होगी कहीं ना कहीं, तभी तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ। सो हम इसको घर लेकर के आए, इसका टाइम आने पर 3-4 महीने बाद एक छोटा सा ऑपरेशन होगा। भाई बाकी बिल्कुल फिट है, स्वस्थ है, मस्त है, सिम्बा नाम है, आइए मिलिए इससे खूबसूरत से। दोस्तों बिग बॉस ने घर के अंदर आग लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है, उन्होंने सिद्धार्थ के हाथ में नॉमिनेशंस डाल दिए, पारस के हाथ में नॉमिनेशंस डाल दिए। अब वो लोग जब वापस आएंगे और जब घर वालों को पता चलेगा कि हमने जिसको इतनी मुश्किल से मधुरिमा को कंटेंट दिया और मधुरिमा को बचाने की कोशिश की और इस साले सिद्धार्थ ने, साले पारस ने उनको सेव कर दिया, सोचो घर के अंदर कितना झगड़ा होगा। बिकॉज असिम ने और सारे ग्रुप ने मिलकर के पूरी पूरी ट्राई की थी कि मधुरिमा सेव रहे और बाकी के सारे लोग फंसे। सो देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों, रिव्यू कंटिन्यू, बाय बाय। नॉमिनेशन स्पेशल में दोस्तों आज तो मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि ये रियलिटी है या फिक्शन है, बिकॉज चीजें काफी ज्यादा फिक्स ही नजर आती हैं। खैर दोस्तों बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप हर चीज के ऊपर और फिर किसी फैसले पे पहुंचेंगे कि फिक्शन है या रियलिटी है, बिकॉज सेलिब्रिटीज के साथ है वरना हमने तो बहुत संघर्ष किया था। खैर दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने यह देखा कि विकास ने बात की कि सिद्धार्थ और सना का नाम सिड नाज नाम से बहुत ज़्यादा फेमस था आप लोगों का, लेकिन वहाँ पर पब्लिक का दिल टूट गया जब तुमने पारस के जाने पे उसको आई लव यू बोला। तो सना ने वहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया कि वो एक्चुअली जो भी घर से बाहर जा रहा होता है मैं उसको आई लव यू बोल देती हूँ और ये जा रहा था तो मैंने इसको बोल दिया, मैं ऐसी ही हूँ, राइट? तो यहाँ पर थोड़ा सा क्यों शहनाज ने ऐसा कहा ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हम पहले ये सोच चुके हैं कि शहनाज आपने शायद अपना प्रपोज, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप इससे प्यार करती हैं, तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं। या तो फिर सारे के सारे आप रियलिटी के जबरदस्त वाले कंटेस्टेंट हो कि आप में से कोई थक ही नहीं रहा कंटेंट देते हुए, कभी भी कोई भी किसी से भी गले मिलता है, कभी भी कोई भी किसी को भी प्यार करता है, कभी भी कोई भी किसी को भी आई लव यू बोल देता है, जैसा कि हमने देखा कि पारस वहाँ बैठ करके बोल रहा है कि शेफाली आसिम के साथ में उम्मा 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 टाइप ऑफ आवाज़ें निकाल के बोल रहा था, वो भी कर लेती हैं और वहीं पर उसको प्यार तो हिमांशी से है और ये सब कुछ कैसे चल रहा है, वो मेरा दोस्त है मैं उसको बोलूँगा, तो थोड़ा सा ऐसा है। मतलब विशाल वहीं पर माधुरिमा को 3-4 दिन तक रेगुलर इग्नोर करता है और वहीं पर जहां पर नॉमिनेशन की बात आती है तो मधुरिमा के अंदर से एक करेक्टर निकल के बाहर आता है और वो जोर जोर से लड़ने लगता है, परफॉर्मेंस देता है जबरदस्त वाला, अपने रिलेशनशिप को खर्च करता है, हर बात को बताता है और वरना वो चुप रहता है डब्बे में बंद। वहीं पर हम उन दोनों का नफरत, प्यार, मोहब्बत, किस, कमिटमेंट्स, आई लव यू, वहीं मायरा बीच में आके आई लव यू कहलवाती है तो वो भी हो जाता है, वहीं विकास ट्राई करता है इनके बीच में हो जाए, आसिम ट्राई करता है, शेफाली ट्राई करती है कि जिस तरह ये लोग कॉन्टेन में रहे, रुक जाए। सो भाई एक ही दिन के अंदर बस काम दिया सेलिब्रिटी को, सेलिब्रिटी निकला घोड़े के ऊपर बैठ करके, सुपर, मतलब बहुत ही जबरदस्त देखने वाले डायनामिक्स है कई चीजों के। तो दोस्तों जिनको समझ करके ऐसा लगता है कि यार रियली आई एम वॉचिंग अ रियलिटी, इफ इट इज अ रियलिटी, क्रिएटिव्स अपनी तरफ से रियलिटी दे रहे हैं आपको, आप ये देखो कि अंदर रहने वाले लोग किस तरह से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, हाउ दे आर प्रेजेंटिंग द थिंग्स। लाइक एक टास्क मिलते ही मधुरिमा जी इतना एक्टिव और इतना बढ़िया तरीके से खेलती हैं, जो विशाल चाहता ही नहीं है शो में वो रहे, मेकर से बार बार जाके बात कर रहा है कि वो नहीं रहे, वहीं वो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन से उसको फोकस करने लग जाता है, आसिम का कोई लेना देना नहीं, शेफाली को कोई मतलब नहीं, बट ये सब लोग मिलकर के ट्राई करते हैं कि किसी तरह से मधुरिमा रुक जाए। चलो इनकी दोस्ती हुई होगी आपस में, इनको शहनाज और वो पसंद भी नहीं है, यहां तक का भी ठीक है एंगल, बट आप देखो। वहीं पर दोस्तों एक और चीज देखते हैं कि रश्मि
एपिसोड के स्टार्टिंग में भावू और रश्मि बात कर रहे होते हैं, वो लोग सिद्धार्थ के बारे में बोलते हैं कि बहुत घटिया आदमी है, बेकार आदमी है, ये तो वो ड्रग वाले सेंटर से सुधार विकास केंद्र से 2 साल रह करके आया है। भाऊ बोलते हैं कि मेरे को पता है इसके बारे में, वो जो एडिक्टेड होते हैं उन लोगों को जाना होता है ना वहाँ पे, और वहीं पर वो बोलती है कि बेकार आदमी है, मुझे घिन आती है इसके नाम से। बट थोड़ी ही देर बाद में हम कट्टू देखते हैं, वो सना के लिए भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलती है कि सना बेकार है, सना एकदम बिलो द बेल्ट चली जाती है नॉमिनेशन के टाइम पर। और वहीं पर सना की दोस्तों अगर आपको क्वालिटी की बात करें तो सना आपको ऐसे इंप्रेस भी कर देती है। सना ने रश्मि को इंप्रेस भी कर दिया, रश्मि ने उसको सॉरी भी बोल दी, ये उसकी अच्छी बात थी। सना ने डेडिकेशन से टास्क को किया भी रहेगा तभी उसने उसको सॉरी बोला होगा। आरान वहां पर क्लियरली मायरा को कहता हुआ दिखा बार बार कि बाबा मैं अभी बात नहीं कर सकता आपसे, अपन दोनों बाद में बात करते हैं, टास्क के बाद में, बिकॉज दे वॉज ऑन द एम कि हमको नहीं माफ करना है। वहीं जैसे ही रश्मि ने माफ किया, आरान ने भी सना से बात कर ली, तेरा कॉन्टेंट बहुत अच्छा जा रहा है, तू बहुत अच्छी चल रही है, तो फिर ये क्यों फालतू वाली हरकतें कर रही है। सिद्धार्थ को जब बिग बॉस ने जाने को कहा, वहीं पर शेफ अली ने कहा इतने दिनों से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज थी, उल्टा सीधा चल रहा था सब कुछ, तो फिर अब ये लोग चले गए तो हमें जॉय करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, घर के एनवायरमेंट को पॉजिटिव करना चाहिए। रश्मि जी भी उसका साथ देती हुई दिखी कि हाँ हमें घर को पॉजिटिव करना चाहिए। वहीं पर मायरा और सना एकदम किनारे दर किनारे खड़ी भी दिखी कि उन लोगों को लग रहा था यार हम लोगों से तो लोग बात ही नहीं करेंगे, और दोनों ने मिलकर के कॉमन लड़के के लिए क्या प्यार का इजहार किया है। मतलब एक कपड़े पहन करके सूंघ रही है उन कपड़ों को और दूसरा भी सूंघ रहा है, दूसरा कह रहा है चश्मा पहन लूं क्या, जो महसूस किया है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता वेयर इज सपोज टू बी पीपल आर स्टैंडिंग एक्चुअली, और मैं किसको सपोर्ट करूं, मैं किसकी तरफ चला जाऊं, क्योंकि कौन किससे प्यार करता है वो दिख रहा नहीं है स्क्रीन पे कि वो उससे प्यार करता है, पर वो अगर उससे प्यार करता है तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि वो उससे प्यार करता है, अगर वो उससे प्यार करता है तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता कि वो मुझसे प्यार करता है, और सामने वाला अगर एक्सेप्ट कर लेता है वो मुझसे प्यार करता है तो वीकेंड आने से पहले पहले वो किसी और से प्यार कर लेता है। कौन किससे प्यार करता है समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम तो साले बाहर बैठ करके एक दूसरे से सब लोग प्यार करने लग गए, एक दूसरे से नफरत भी करने लग गए, मगर यहाँ पर कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है समझ में ही नहीं आ रहा है, बिकॉज बिग बॉस आपको जो भी अंदर होता है वो सामने प्लेस कर देते हैं, मगर लोगों की चीजें ही समझ में नहीं आती यार कि कौन चाहता है एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज ये लोग बार 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 चीजों को जो घुमाते हैं बाबा, जो चीजों को टर्न लेते हैं समझ में ही नहीं आता है। खैर हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, हम चलते हैं पॉइंट के ऊपर कि इसके बाद क्या हुआ एक्चुअली और होता क्या क्या रहा। देखो मैं अकेला हूं वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मुझे फ्रेम पे पता नहीं कैसी शक्ल आ रही होगी। खैर दोस्तों हम लोगों ने साथ साथ में ये देखा कि मेरे साथ साथ पारस और सिद्धार्थ भी पूरे शो की कमेंट्री कर रहे थे, वो भी पूरे शो के बारे में हर चीज़ के बारे में बता रहे थे कि कौन सी चीज़ कैसे जा रही है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। सो हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के ऊपर। दोस्तों नॉमिनेशंस हुए, नॉमिनेशन से पहले एक बार बात करते हैं, मैंने पेपर पर देखा तो बताता हूँ आपको मैं। आरान साहब शेफाली बग्गा को ये कहते हुए दिखे कि एक टाइम की बात है, ये बिल्कुल रोड पर थी रश्मि, मतलब मैंने इसका उस टाइम साथ दिया है, मतलब इसके बैंक के अंदर 0 बैंक बैलेंस था और उस टाइम मैंने इसका साथ दिया, मैं इसको लेकर के यहां तक आया हूं। आराम बेसिकली मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, जब दोस्तियां होती हैं तब इस तरह की बातें नहीं होती हैं, जब दोस्तियां नहीं होती हैं तब ऐसी बातें की जाती हैं, दोस्तियां जब होती हैं तब यह बात की जाती है कि मुझे आपने सपोर्ट किया, मुझे उस इंसान ने सपोर्ट किया, मुझे उस इंसान ने जमीन से आसमान पर बैठा दिया, मुझे उस इंसान ने कहीं का कहीं लेके चला गया। जैसा कि रश्मि ने सब कुछ झेलने के बाद भी अपने खूबसूरत शब्दों से आपको जब प्रपोज किया आसिम के कहने पर, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जेस्चर, और वहां पर उसने क्या बोला, मेरी लाइफ के मुश्किल घड़ियों में तुम मेरे साथ थे, तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो, तुम मुझे ज़्यादा पसंद करते हो, मुझे जब जब भी किसी की स्ट्रेंथ और पावर की जरूरत पड़ी है तुम मेरे साथ होते हो, रियली आई लव यू एंड आई मीन इट। देखो ना अभी इसमें कितना वजन है, और वहीं पर तुम कह रहे हो कि इस लड़की का मैंने तब सपोर्ट किया, इस लड़की को लोग खा गए थे, इस लड़की को लोगों ने खाली कर दिया था, आज अगर बिग बॉस बोलेंगे ना ट्रॉफी किसको चाहिए आरान, मैं बोलूंगा नहीं इस लड़की को दो। हंसी उड़ा रहे हैं लोग, वहीं पर पैरेलली लोग हंसी उड़ा रहे हैं, हमको भी हंसी आ रही है। सो दिस इज नॉट अ वे टू प्रेजेंट योर लव एंड योर इमोशंस, एक्सक्यूज मी दिस इज एक्चुअली नॉट अ वे। खैर एनीवेज दोस्तों हम पहुंचते हैं आगे, उसके बाद में हम लोगों ने देखा नॉमिनेशंस की बात आई, वहाँ पर बैठा हुआ पारस भी बोला कि मैं ये बात 100% जाकर के और बोलूँगा, वहाँ पर 110% मैं ये बात जाकर के बोलूँगा कि तूने इसके साथ ऐसा ऐसा किया। वहाँ पर सिद्धार्थ ने भी कहा 0 बैंक बैलेंस था और रश्मि ने इसको बता दिया कि मेरी ऐसी हालत है। सो आकर के पारस इन बात में बोलेगा, पारस ने वहाँ पर विकास के लिए बोला कि मास्टरमाइंड ये है, मैं हूँ, देखते हैं घर के अंदर कौन मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड का भी मुझे माइंड समझ में नहीं आया कि मास्टरमाइंड कैसे मास्टरमाइंड है, बिकॉज मास्टरमाइंड तो मास्टरमाइंड अपने आप को आते ही खर्च कर रहा था, बिकॉज मायरा वाली बात पर वो ये बोला कि हाँ मारा बिल्कुल सही है, मारा को बिल्कुल सही सेव किया, बिकॉज पब्लिक ना उसकी स्टोरी लाइन थी, पब्लिक उसको कनेक्ट कर रही थी, अबे भाई अब घर के अंदर हो
अभी कोई और चला रहा है कैमरा, अपना वाला शो नहीं है, अभी कोई और देख रहा है, अपने वाले में अपन देखते हैं, है ना, तो पता नहीं चलता है, ज़्यादा अज्यूमिंग करने की जरूरत नहीं है। खैर वहीं पर उसने भी बहुत ट्राई की, विकास ने भी, कि किस तरह से वो इनका कॉम्प्रो करवा दे। सारा घर आज पता नहीं कौन से जोन में था कि विशाल और मधुरिमा का कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाए, बिकॉज पूरी एक पार्टी को ये लग रहा है कि वो बाहर होने वाली है। बिग बॉस ने भी ये सब चीज़ें बहुत प्लान करके दी थी, नॉमिनेशन के बाद में उस प्लान को भी क्लियर करते हैं। विकास को सबसे पहले बुलाया गया, विकास ने जाकर के विकास फाटक को नॉमिनेट किया। हो सकता है इस वीकेंड पर फाटक खुल जाए विकास फाटक के लिए, क्योंकि मधुरिमा जी तो अब आ गई है मार्केट में, फलौन आ गई हैं, फलौन, तो हो सकता है भैया कुछ हो जाए। आज मुझे मधुरिमा बहुत पसंद आ रही थी, पर आज मैं डिसअपॉइंटेड हूँ उनकी इस परफॉर्मेंस से, कि पता नहीं क्या हुआ यार, मतलब एक्शन और अगली एक्शन और बिना एक्शन अगली चुप। खैर आरान का नाम लिया सेकंड पे उन्होंने, कि आरान को मतलब दैट वाज एक्चुअली नॉट लॉजिकल। वहीं पर पारस ने भी यही चीज़ बोली, बोला कि दूसरे लोगों के प्रति मुझे ऐसा लगता है दूसरे लोग कंपेटिवली आरान का एक्साइटमेंट बहुत कम है गेम को लेकर के, और ये एक स्ट्रांग कॉम्पिटिशन है। अगर इसका एक्साइटमेंट कम है गेम को लेकर के और वहीं पर ये स्ट्रांग कंपटीशन, मतलब तेरा भी कम है और तुम दोनों का स्ट्रांग कंपटीशन भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरे आरान आए, आरान ने आकर के माहिरा को नॉमिनेट किया, बिकॉज उन्होंने वो जो चीज़ तोड़ दी थी उनकी लिप बॉक्स, उसकी वजह से वो लोग गुस्सा हुए। साथ साथ में शहनाज बहुत पर्सनल जाती है, विशाल ने शहनाज को किया नॉमिनेट और वही माहिरा को किया, जो हमें ऑब्वियस था, सारी टीम्स ऑब्वियस थी एक्चुअली। माहिरा ने भी शहनाज के साथ बैठ के कभी प्लान किया होगा, हमारी सीजन में तो अलाउ नहीं था कि आप अकेले नॉमिनेशंस को डिस्कस कर लो, मगर इनका बहुत बोटिवली डिस्कस किया हुआ लग रहा था, बिकॉज अगर नहीं होता डिस्कस किया हुआ तो शहनाज कभी भी इतनी अक्कल वाली नहीं कि वो मधुरिमा को नॉमिनेट करती, उसका कोई लेना देना नहीं है मधुरिमा से, बिकॉज वो स्ट्रांग को कमजोर और कमजोर को स्ट्रांग वाली कैटेगरी में गिनती ही नहीं, वो फ्लैट है। भी मेरा कॉन्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में है, मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ, मैं मजाक कर सकती हूँ, मैं मस्ती कर सकती हूँ, वो क्लियर बोलती है, तो वो ये दिमाग लगाने वाली लड़की ही नहीं थी। यहाँ पर मायरा ने दिमाग लगा करके उसको सेट किया हुआ था कि अपन को मधुरिमा को और विकास फाटक को ही नॉमिनेट करना है, जैसे उसके लिए फाटक खुल गए, और जिस तरह से मधुरिमा जी ने अपने आप को खर्च किया तो फाटक उसके लिए खुल भी सकता है, और वो खुद भी कह रहा है यार मेरे से नहीं होगा रहा, सब मेरे को मिलकर नॉमिनेट कर रहा है, फिर भी कम हुआ नॉमिनेट। खैर दूसरा शहनाज को किया, उधर से विशाल आया, विशाल ने आकर के शहनाज को किया और मायरा को किया, बिकॉज विशाल तो शायद मायरा के दोस्त है, तो वो क्या कह रहे हैं अपनी टिप्पणी में कहते हुए, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे दोस्त हैं और हम उनके दोस्त हैं, और दोस्तों हम दूसरे के है ही नहीं, तो फिर ठीक है हम नॉमिनेट कर देते, क्या बता क्या था। खैर दूसरा मासी 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 करके बहुत ज़्यादा सना ने उनकी ली थी क्लास, तो उनको दूसरा तो उसको करना ही था, तो यू आर नाउ मतलब वेरीफाइड मासी विशाल, वेरीफाइड मासी। मधुरिमा जी उन्होंने शहनाज को किया और उन्होंने भी मायरा को किया, पता नहीं ये वाली चीज़ कब हुई, यानी इस वाले ग्रुप ने मिलकर के पूरा प्लान किया था, उस वाले ग्रुप में दो ही लोगों ने मिलकर के प्लान किया था। आरती ने भाऊ को किया, दैट वाज स्पेशल, एंड शहनाज को किया, शहनाज को करने का लॉजिक दिया कि जब मैं सेव हुई थी तो इनको वो चीज़ पसंद नहीं आई थी, और वहीं पर पहले भाऊ को किया कि भाऊ को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि लड़कियों के बीच में आता हूँ, लड़कियों की हेल्प करता हूँ, मगर राइट टाइम पर ये लड़कियों के साथ नहीं होता है। सना ही, और मैंने सना और मायरा का डिस्कस एक साथ ही कर लिया, मधुरिमा जी का भी डिस्कस हो गया, और इसके बाद में दोस्तों बस बाकी के सारे नॉमिनेशन बहुत सिंपल थे। शेफाली ने आरती को किया और आरती को कहते हुए कहा कि भाई लाइक शेफाली के बग्गा का थोड़ा सा सीन ही कम ज़्यादा समझ में आ रहा है मुझे, वो थोड़ा सा अलग ही एकदम अलग चैप्टर पर ही चल रही हैं, साइड में कॉमेंट्री भी रेगुलर थी दोस्तों। उसके बाद में हम लोगों ने दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी कि बिग बॉस ने एक टास्क दिया इन लोगों को, और बिग बॉस ने उस टास्क के अंदर ये बोला, वोट्स बता देता हूँ आपको मैं, सिद्धार्थ, मायरा, विकास, ये तीन लोग नॉर्मल नॉमिनेट हुए बिकॉज विकास वॉज ऑलरेडी नॉमिनेटेड, एंड शहनाज और पारस को, शहनाज और मायरा को 7 और 8 वोट मिले। सो इसके थोड़ी देर बाद में बिग बॉस ने एक बढ़िया सा काम किया, बिग बॉस ने कहा 1 घंटे के लिए आप लोगों को लाइव ले जाया जाएगा, उस लाइव के अंदर आप लोगों को बेसिकली बेटा जी करना क्या है ना, कि आपको ये दिखाना है कि आपके अंदर कितना कॉन्टेंट है और पब्लिक कितनी ज़्यादा आपको वोट्स कर सकती है, लाइव जाना है आप लोगों को। ये लोग साहब लाइव चले गए, लाइव गए तो उसके अंदर हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि वो लाइव ऑडियंस कौन थी, वो थे सिद्धार्थ और पारस। सो दैट वाज वेरी 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 कीन एंड क्लियर प्लान्ड कि घर वाले ज़्यादा उस तरफ है, नॉमिनेशंस में आएंगी मायरा और शहनाज, यहाँ से इन दोनों को ये दे दिया जाएगा और ये दोनों लोग उसका फलस्वरूप रिजल्ट 110% यही निकालने वाले हैं कि भाई शहनाज स्ट्रांग है, शहनाज कहीं जाने नहीं वाली, मायरा को सेव कर दो, राइट? तो माहिरा को सेव कर दिया गया, शहनाज को फंसा दिया गया, चाहे अपने सती माता धरती, सॉरी मतलब भगवानों के नाम लेता हूँ, चाहे आत्मसमर्पण कर दिया अपना पूरा का पूरा मधुरिमा ने, करेक्टर का, अपनी बातों का, चाहे विशाल ने खुद को खर्च कर दिया कि मुझे तुम 3-4 बार थप्पड़ मार चुकी हो, चाहे उसने उसकी औकात निकाल दी, चाहे उसने कहा तुम मेरी इंग्लिश की वजह से मुझे गंवार बोलती थी, ब्ला 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 ब्ला,
द अलॉट गंद विच वॉज नॉट एक्चुअली खर्च इन नचबली, ये तो बाकी का बचा हुआ यहाँ पर खर्च हो गया। इन्होंने मेकर्स के बारे में भी बोल दिया आरती ने, कि मेकर्स ने कहा था आप लोगों को वहाँ करने के लिए क्या, तो यहाँ पर अब क्लियर कर लो। शादीराम घर जोड़े आरती जी ने ट्राई की, विशाल भैया विकास ने ट्राई की, सब लोगों ने ट्राई की मतलब, और वहीं पर उन लोगों ने एंड में जाकर के अपने आप को शॉर्ट भी कर लिया। मगर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वन ऑफ द लकीएस्ट गर्ल इन दिस बिग बॉस हाउस एज पर द नॉमिनेशन एंड एज पर विदाउट योर सपोर्ट बट इन द सपोर्ट, मायरा शर्मा फिर एक बार सेव हो गई बिकॉज 1200 उन्होंने ये वाली प्लानिंग कर ली है। मैडम बच चुकी हैं, अब आपको उसके अलावा ये चार लोग मिले हुए हैं, तो या तो मधुरिमा जी या फिर हमारे फाटक साहब, दोनों में से एक बाहर हो जाएगा। खैर वैसे देखा जाए तो भाऊ के पास है करने को, क्योंकि भाऊ लड़ता है डायरेक्टली सिद्धार्थ से, बट वैसे देखा जाए तो अब नहीं भी है क्योंकि मधुरिमा जी सब कुछ बता चुकी, यही था मधुरिमा जी के पास, और झगड़े तक भी चलता तो शायद कॉम्प्रो हो जाता, पर आपने तो मोहब्बत भी कर ली, तो अब झगड़ा और मोहब्बत दोनों चीज़ें हो गई। विशाल का वहीं पर एक और सीन दिखाया दोस्तों, कि विशाल आरती से क्लियर करते हुए दिखे कि मुझे तुमसे दूरी बनाने की कोशिश करता था सिद्धार्थ शुक्ला, कि उसको क्यों कॉन्टेंट दे रहा है, क्यों उसके पास जा रहा है, जबकि ये चीज़ सेम पारस जी ने उसको कही थी कि काय को तो इन लोगों के भाव बढ़ा रहा है, इन लोगों को थोड़ा अलग रख, इन लोगों को साइड में रख, अपन अपना खेल रहे ना अपने हिसाब से। सो बट उसने विशाल का नाम ले लिया बिकॉज उसको लगा कि विशाल देख नहीं रहा होगा। वहीं पर एक और चीज़ रश्मि भी ये कहती हुई दिखी कि अब अगर सिद्धार्थ चला गया तो सना खेल के अंदर क्या करेंगी, सना तो अकेली पड़ जाएंगी। सो दोस्तों ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इन दोनों में से जैसे ही कोई घर के अंदर आता है तो घर के क्या मूव्स चेंज होते हैं। सिद्धार्थ इस बीच रिकवरी भी कर रहे हैं और साथ साथ में बहुत सारा अपने अंदर आक्रोश गुस्सा और चीजें इकट्ठी भी करते जा रहे हैं, जिन पे वो जाकर के बहुत अच्छे से फ्यूचर में खर्च भी होने वाले हैं। सो आप अपने फेवरेट्स के साथ जुड़े रहिए, जो सही लगता है उसको सही मानिए, जो गलत लगता है उसको गलत मानिए, अपने वोटों को करने से पहले एक बार सोच लीजिए क्योंकि वोट्स तो ऑलरेडी हो रहे हैं। लेकिन क्रिएटिव्स यहां पर भी गलत नहीं है दोस्तों, जो आपको कंटेंट दे रहा है उसको वो रोकना चाहते हैं, जो नहीं दे रहा है उसको निकालना चाहते हैं, बिकॉज वो तो अपने शो की अल्टीमेटली टीआरपी चाहते हैं। मैं आपका दोस्त मनु पंजाबी इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूंगा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत।